डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रजिस्टर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन से तात्पर्य या मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर को हम लोग कितने तरीके से काम करा सकते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर के काम करने का तरीका या क्या उसके कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर हम तीन टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, तो अगर हम इनमें से किसी एक टर्मिनल को कॉमन रखते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो उसके बेस पे जो कन्फिगेशन बनता है उसको हम लोग ट्रांजिस्टर कन्फिगेशन बोलते हैं। मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द विच टर्मिनल इज मेड कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, सो देर इज पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्री कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, सो इन थ्री कन्फिगरेशन यू कैन चेक इट आउट हेयर। अगर हमने बेस को कॉमन रखा है इनपुट आउटपुट में, तो क्या बनेगा? कॉमन बेस। और कॉमन बेस को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीबी। और अगर हमने इमीटर को इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन रखा, तो एक बनेगा, उसको कहेंगे हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हमने कलेक्टर को इनपुट आउटपुट के बीच में कॉमन रखा, तो बनेगा कॉमन कलेक्टर। ओके, तो इस तरीके से वन बाई वन हम करके, लेकिन अगर हम कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर करते हैं, तो इसके जो इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जैसे कि हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड में, उस तरीके से क्या होगी उसको हम देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बार बार हमें खासकर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का मतलब ये हो गया कि बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर, एंड उसका हमने डायग्राम्स जो है नीचे बना देखा। जैसे ये आप डायग्राम देखिए, और हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ते आ रहे हैं। अंतर क्या था कि हमने इसको वीबीई और वीसी के तौर पे दिखाया था, वीसीबी के तौर पे दिखाया था। अभी हम लोग इसको आउटपुट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमने यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए, एन पी एन के लिए देखा है, सिमिलरली पी एन पी के लिए भी इस तरीके से होगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको एक तरीके से फॉरवर्ड बायस और इसको रिवर्स बायस जैसे हम कन्फिगरेशन करते हैं वैसे किया हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी ई और इसके अक्रॉस वी सी सी रखें। और यहाँ पे बेस देख सकते हैं, ये बेस जो है वो कॉमन है इनपुट, यानी कि इधर इस साइड में हम जनरली इनपुट लेते हैं इधर, और बाहर की तरफ, या मैं आपको बोलूँ एक शॉर्ट तरीके से, लेफ्ट साइड हमारा जनरली इनपुट होता है और राइट साइड में हमारा जनरली आउटपुट लेते हैं इस साइड में। ओके, तो यानी कि ये कलेक्टर हमारा ये हो गया आउटपुट, और इमीटर जो हो गया वो हमारा क्या है? इनपुट है ना। तो अब देख सकते हैं कि हमारा बेस जो है, ये बेस वो कॉमन है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, ठीक है। अब जनरली कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को कि हम जो इनपुट करेंट, इनपुट वोल्टेज किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आउटपुट क्या होगा, एंड ऑल दो थिंग्स। तो उसके लिए सेम जो हमने ये डायग्राम है उसको हमने सिंबल के तौर पे यहाँ पे बनाया है। इनपुट के लिए हमने देखिए यहाँ पे वी ई ई जैसे यहाँ पे ले रखा है, और यहाँ पे वी सी सी आउटपुट के लिए। यहाँ पे भी एक तरीके से ये करेंट जो है वो इनपुट करेंट इमीटर करेंट हो गई, कलेक्टर करेंट हमारा जो होगा आउटपुट साइड में होगा, है ना। और बेस करंट जो हो गया वो कॉमन हो गया दोनों के, बेस जो है वो कॉमन हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब हम जो ग्राफ या जो इनपुट एंड आउटपुट ड्रॉ करेंगे, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे किसके बीच में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये इनपुट साइड है, ये बीचों बीच इसके इस साइड ये हिस्सा जो है, यहाँ से इधर का हिस्सा इनपुट और यहाँ से इधर का हिस्सा जो हो गया आउटपुट। तो इनपुट में हम देख सकते हैं कि इमीटर करंट इनपुट हो गया, कलेक्टर करंट आउटपुट हो गया, ठीक है। अब वोल्टेज की तरफ देखते हैं, ये वीई और वीसीसी एक्सटर्नल वोल्टेज है, तो ये हम इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज में कंसिडर नहीं करेंगे। जो अपीयर होगा यहाँ से यहाँ के बीच में, देख सकते हैं इमीटर एंड बेस के बीच में जो वोल्टेज अपीयर होगा, यानी कि वीबीई बेस और इमीटर के बीच में, वो कहलाएगा इनपुट वोल्टेज, और जो कलेक्टर एंड बेस के बीच में जो अपीयर होगा वो कहलाएगा आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट किसके किसके बीच में होना चाहिए? आईई वर्सेस वीबीई, है ना, देख सकते हैं ये आईई है हमारा, आईई वर्सेस वीबीई, है ना। और आउटपुट किसके बीच में होना चाहिए? आईसी यानी कि आउटपुट करेंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज वीबीसी। तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगी इस इधर वाला पार्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इस साइड वाला पार्ट हो गया। तो क्लियर है, चलिए देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक तरीके से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी आईई वर्सेस वीबी के बीच में ड्रॉ होगी, यानी कि इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करेंट, और जो हमारा वीबीसी यहाँ पे है या वीसीबी जो है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे मान लो कि हमने वीसीबी इक्वल टू 1 रखा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगी। और आप जब इसको देखोगे इस तीनों वैल्यूज को ग्राफ को, तो आपको दिखाई देगा कि ये एक तरीके से डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, पीएन जंक्शन डायोड, सिमिलर डायोड जैसा कि फॉरवर्ड बायस में जो कैरेक्टरिस्टिक दिखती थी वैसा ही है। आपने उस समय हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज का इफेक्ट है। अगर मैं वोल्टेज यहाँ बढ़ा रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज को मैंने वी सी बी इज्कल टू 1 वोल्ट रखा है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे सबसे कम फ्लो हो रही है। वोल्टेज को मैंने बढ़ाया तो करंट जो है वो थोड़ा बढ़ गया, और फिर वीसीबी को मैंने 20 वोल्ट ज़्यादा रखा तो हमारे करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई। तो इन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है कि लिखना है थ्योरेटिकल टर्म्स पे। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, लिखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, कि जो हमने अभी देखा था ग्राफ में क्या क्या था कि ग्राफ जो है आई वर्सेस वीबी के बीच में हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट करता है इनपुट यानी कि इनपुट करंट आई और इनपुट वोल्टेज वीबी को फॉर द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज वीसीबी। ठीक है, वीसीबी के वोल्टेज 1 वोल्टेज 10 वोल्टेज 20 पे हमने 2 3 वैल्यू लेके हमने उसको वेरी कराया है। इट इज सिमिलर टू द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि हमने देखा कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है बिल्कुल सिमिलर है पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरह। और उसमें क्या होता है कि आई यानी कि फॉरवर्ड करंट तभी फ्लो होगा जब वीबी की जो वैल्यू होगी वो सिलिकॉन डायोड के लिए नी वोल्टेज से ज़्यादा, यानी कि 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट से ज़्यादा फ्लो होगी। ओके, और अगर मैं आईई को इंक्रीज करूँगा, आई इंक्रीज बहुत तेज़ी से होगा जब, अगर यानी कि एक्सपोनेंशियल राइज होगा जब वीबी को हम बढ़ाएंगे, है ना। अब यहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था, इनपुट वोल्टेज बाई यानी कि आर की आर का वैल्यू क्या होती है, वी बाई आई। तो आर इज इक्वल टू, क्योंकि डायनेमिक है एसी है, तो इसलिए डेल वी ई बी यानी कि वी बी इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट करंट, और वी सी बी की वैल्यू को हमने कॉन्स्टेंट रखा है। ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे जितने भी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग उनमें कॉमन होंगे, यानी कि 3 से 4 पॉइंट इनपुट में लिखना है, सिमिलरली हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अच्छा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के बाद, जैसा कि हमने यहाँ पे इनपुट ड्रॉ किया है इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में, और ये हमारा जो है 3 अलग अलग वोल्टेज पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो एनपीएन और पीएनपी का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है यानी कि पोलरिटी जो होती है वोल्टेज की एंड करंट की, वो पीएनपी या एनपीएन के जस्ट अपोजिट होती है, इसलिए सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं और इसकी जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज को कंसिडर नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म्स आता है अल्फा, किसमें, कॉमन बेस में, हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन बोलते हैं। गेन जैसे हमने पढ़ा था क्या था, आउटपुट बाय इनपुट, तो यहाँ भी करंट गेन यानी कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट के टर्म्स में होगी। तो आउटपुट करंट हमारा क्या होता है आईसी, और इनपुट करंट क्या है हमारा आईई, तो इसलिए जो अल्फा की वैल्यू होगी वो आईसी बाय आईई के बराबर होगी। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा था, और ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के हमने कॉमन बेस का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा था, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये हो गया कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस। तो वोल्टेज अब यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस केस में 2 जंक्शंस हैं एंड 2 करंट फ्लो होती है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ रही है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज के बीच में, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज के बीच में, है ना। तो अब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं ये, और हम लोग नेक्स्ट आगे क्लास में, अभी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जस्ट अभी बात की थी वो वैरी करेगा
इनपुट आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है आउटपुट करंट यानी कि आईसी जो कि अप्रॉक्स मिली एम्पियर में फ्लो होगा, और ये वीसीबी जो आउटपुट वोल्टेज हमने दिखाया था वो जो कि वोल्टेज में फ्लो होगा। अब इसमें जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, दिस इज नथिंग बट जीरो एक्सिस, है ना। तो क्या करते हैं हम, जीरो यानी कि वीसीबी को हम वैरी करना शुरू करते हैं, 0, 5, 10, 15 समथिंग लाइक दैट, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वैरी करता है, और आई के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई इज इक्वल टू, क्योंकि आई हमारा इनपुट था, यहाँ पे इनपुट करंट को हमने कॉन्स्टेंट रखा था, आई इज इक्वल टू 0 mA, आई इज इक्वल टू 1 mA, आई इज इक्वल टू 2 mA, इस तरीके से हम आई को वैरी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या वेरिएशन आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो जीरो से थोड़ा पीछे की तरफ यानी कि निगेटिव की तरफ जा रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ कॉमन बेस के केस में हम निगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। इसका रीज़न हम लोग अब बाद में बात करेंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, सो जीरो से -1 से अप्रॉक्स कर सकते हो कि -0.5 या -0.67 के आसपास हम लोग रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जैसा कि हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर बायसिंग के तौर पे, कि अगर इनपुट वोल्टेज वोल्टेज दोनों यानी कि कलेक्टर इमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाए तो सैचुरेशन रीजन हो जाएगा, और अगर एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस होता है तो वो एक्टिव रीजन्स में हो जाएगा, और दोनों रिवर्स बायस होता है तो कट ऑफ रीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्हीं को जो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है उसको हमें लिखना है थ्योरेटिकल टर्म्स में और इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए हम देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट आउट। ओके, सो लुक एट हियर, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट द ग्राफ बिटवीन इन आउटपुट करेंट वर्सेज आउटपुट वोल्टेज, है ना। अब एंड आउटपुट करेंट एंड आउटपुट वर्सेज क्या है, जो हमने वहाँ पे देखा था, आउटपुट करेंट इज नथिंग बट आई सी, है ना, एंड आउटपुट वोल्टेज इज वी सी बी फॉर द वेरियस लेवल ऑफ करेंट आई। इसके बाद थर्ड लाइन में हम क्या करेंगे, आउटपुट रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे। आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, वी बाई आर, आउटपुट वोल्टेज बाई आउटपुट करेंट, आउटपुट वोल्टेज है मेरा वी सी बी डिवाइड बाई आई सी, डेल इसलिए बिकॉज इट्स डायनेमिक यानी कि एसी के लिए हम यूज़ करते हैं, और जहाँ पे कि आई सी को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे। अब जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेंगे तो तीनों रीजन के बारे में एक्सप्लेन करना जरूरी है। तीनों रीजन का मतलब ये हो गया कि एक्टिव, सेचुरेशन एंड कट ऑफ। तो एक्टिव रीजन्स में सबसे पहले लाइन तीनों में हम इसका डेफिनेशन करेंगे। एक्टिव रीजन होता क्या है कि जब इमिटर बेस्ड जंक्शन एंड इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन्स में काम करेगा, एंड ये इस केस में, इस रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये सब में तीनों में हमें पहला जो इसकी डिफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद इस रीजन्स में क्या होता है, आप देख सकते हो कि इस रीजन्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये हमारा एक्टिव रीजन्स है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिव रीजन्स है ना। तो ये एक्टिव रीजन्स जो अनशेडेड एरिया है एक्टिव रीजन्स का, यहाँ पे अप्रॉक्स जो आई सी है आई ई है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल सीधी है ना, क्योंकि मतलब आई सी और आई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है करीब करीब, है ना। तो इसी तरीके से जो हम इसको देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के रीजन्स को, उसी के हम एक या दो पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या मेंशन करते हैं कि इन दिस रीजन कलेक्टर करंट यानी कि जो आईसी करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इमीटर करंट आई, है ना, यानी कि कलेक्टर करंट अप्रॉक्सीमेटली जो क्या है वो कांस्टेंट है ना। एंड थर्ड पॉइंट में द कलेक्टर करंट आईसी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज वीसीबी, मतलब अगर मैं वीसीबी को बढ़ा भी रहा हूँ तो मेरा आईसी करंट पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा है ना। और इस केस में क्योंकि अगर ये फ्लैट है इसलिए इसका जो डायनेमिक एसी रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी हाई होगा। नेक्स्ट सिमिलरली हम एक्सप्लेन करेंगे सेचुरेशन रीजन्स एंड कट ऑफ रीजन्स के बारे में, है ना। तो सेचुरेशन रीजन्स में किसको हमने बोला था, जब दोनों क्या हो जाए फॉरवर्ड बायस, ये देख सकते हैं कि ये हमारा सेचुरेशन रीजन्स है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे सेचुरेशन रीजन्स को, और सेचुरेशन रीजन को एक्सप्लेन करेंगे हम। तो पहला डिफिनेशन, सेचुरेशन रीजन क्या होता है, जब दोनों यानी कि इमिटर एंड बेस जंक्शन एंड
कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाए तो वो कहलाएगा सैचुरेशन रीजन, और इस रीजन में ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच की तरह काम करता है। क्लियर। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इस रीजन्स में कलेक्टर करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है इमीटर करंट से। इमीटर करंट का मतलब ये हो गया कि आईई आईई 0 0 1 2 3 हम वेरी कर रहे हैं, लेकिन आईसी का उस पर कंप्लीटली कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, कलेक्टर बेस यानी कि वीसीबी इस केस में क्या है, निगेटिव है इन दिस रीजन, एंड आईसी डिक्रीज कर रहा है रैपिडली जब वीसीबी बिकम्स मोर निगेटिव। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं ग्राफ को अगेन, कि ये रीजन्स यानी कि जब वीसीबी निगेटिव है, वीसीबी निगेटिव पोर्शन है यहाँ पे, तो वो रीजन्स हमारा क्या कहला रहा है कि ये सेचुरेशन रीजन्स है ना। और इस केस में जो हमारा आईसी की जो वैल्यू है वो रैपिडली डिक्रीज हो रही है, इस तरीके से देखिए, डिक्रीज होने का मतलब ये डिक्रीज होके जीरो की तरफ आ रही है। तो ये सेचुरेशन रीजन्स के बारे में हमने ऐसे ही 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। फाइनली कट ऑफ रीजन्स, कट ऑफ रीजन्स का मतलब ये रीजन यानी कि रीजन्स बिलो आई इज टू जीरो कहलाएगा कट ऑफ रीजन्स। इस केस में दोनों कलेक्टर बेस जंक्शन एंड इमिटर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में होगा है ना, और ऑलमोस्ट इस केस में जो है करंट वो जीरो के बराबर फ्लो होगी। तो इन्हीं 2 3 पॉइंट को हम जो है वो वहाँ पे मेंशन करेंगे कट ऑफ रीजन्स में भी। ओके, सो कट ऑफ रीजन्स में इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस में होगा, और इस केस में ट्रांजिस्टर जो है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। द रीजन बिलो आई स्केल टू जीरो इज नोन एज द कट ऑफ रीजन्स है ना, एंड कलेक्टर करंट करीब करीब अप्रॉक्सीमेट जो कलेक्टर को नियरली इक्वल टू जीरो होता है। ओके, तो दोबारा मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस है ना। तो हमें हमें क्या करना है कि कॉमन बेस का मतलब बेस दोनों के बीच में कॉमन हो गया। अच्छा, इनपुट करंट का मतलब हो गया कि इनपुट साइड में यानी कि जो इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होगी उसको इनपुट करंट बोलेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, और आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसके बारे में हमें दो दो तीन तीन लाइन लिखना है, इनपुट के बारे में 3 से 4 लाइन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थ्योरेटिकल टर्म्स में अगर हमें अच्छे मार्क्स एग्जाम्स खासकर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लाने हैं तो, और सिमिलरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले डिफाइन करेंगे किससे किसके बीच में ड्रॉ हो रहा है, देन आफ्टर क्या कॉन्स्टेंट यानी क्या वेरी कर रहा है, और फिर तीनों रीजन्स आउटपुट में स्पेशली एक्टिव रीजन, सेचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला तो पॉइंट सब में कॉमन है, उसका डेफिनेशन ही है सेचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन एंड एक्टिव रीजन्स का। और दो सेकेंड है, थर्ड पॉइंट जो है कि आईसी आई जो भी इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा कॉमन बेस की जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन इमीटर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे।